Good morning to all of my dear students. In previous class, we have studied about want have factor and application of want have factor in case of degree of dissociation and degree of association. Relationship of want have factor with degree of dissociation and degree of association. तो हम लोग want have factor को clearly समझ गए थे. अब हम लोग ये देखेंगे कि want half factor and colligative property. Want half factor का colligative property से क्या relation है? हमने colligative property में आपको ये बताया था कि there are so many non-volatile solute present in any solvent, then they deviate from its ideal behavior. जैसे ये सब colligative property हम लोगों ने देखा था, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. उसमें हमने जो भी solutes को dissolve किए थे या आपको जो भी numericals problem मिलेंगे उसमें ऐसे solutes मिलेंगे, they neither get dissociate नर एसोसिएट. अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते हैं उस कंडीशन में वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी? 1. बट इफ सच सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट व्हिच गेट डिसोसिएट आर एसोसिएट देन द वैल्यू ऑफ वांट हाफ फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 1. इफ आई नॉट इक्वल टू 1 then what will be the shape of all the colligative property and their formula. अगर I की value 1 नहीं है मतलब या तो वो dissociate हो रहे हैं या फिर associate हो रहे हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, इसमें क्या हो रहा है? Dissociation हो रहा है. Acetic acid है, benzoic acid है, इसमें क्या हो रहा है? Association हो रहा है. तो अगर ऐसे solute को solvent में dissolve करते हैं और उस condition में हम colligative property अप्लाई करते हैं तो देन वी मस्ट हैव कंसीडर अबाउट वांट हाफ फैक्टर एंड द फार्मूला ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लाइक दिस, लाइक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है मींस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. दिस वन इज व्हाट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. वैसे तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है लेकिन अगर हम वांट हाफ फैक्टर को कंसीडर करेंगे तो दिस मोल फ्रैक्शन विल बी मल्टीप्लाइड विद वांट हाफ फैक्टर आई. इन द सेम वे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल टी बी, डेल डेल टी बी will be equal to one half factor I into KB into molality. Means I will be included in the formula. पूरा formula वैसे ही रहेगा, सिर्फ I को हम लोग इसमें include कर देंगे. I क्या है? One half factor. One half factor निकालने का तरीका हमने कल सिखा दिया है आपको. अगर ये del TF होगा, del TF होगा, del TF will be equal to I into KF into molality. अगर हम osmotic pressure की बात करेंगे तो osmotic pressure को pi से denote करते हैं. किससे denote करते हैं? Pi से. This one is osmotic pressure. Pi will be equal to I into C into R into T. I क्या हो गया? One half factor. C क्या है? Concentration. R क्या है? Solution constant. And T is temperature. तो these are the shape of colligative property when we include one half factor into it. तो मतलब जहां one half factor को हमें include करना पड़ेगा और कहां include करना पड़ेगा one half factor को, ऐसे solute के लिए which get either dissociate or associate after dissolving into the solvent. तो there are so many numerical problems which are given in NCERT exercise as well as in in-text exercise. I will give you in the form of assignment that you will solve it clearly and discuss to me after solving that. Now I will discuss our next topic, that is Henry law. Henry law kya hota hai isko hum log samajhenge.
हेनरी लॉ ये कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। जैसे सपोज करिए कि इट रिलेट विद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हेनरी लॉ यू कैन राइट डाउन आल्सो, हेनरी लॉ रिलेट्स विद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ओवर एनी लिक्विड, मतलब किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में। अभी तक हम लोग सॉल्युबिलिटी किसकी देख रहे थे, सॉलिड की लिक्विड में, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। मींस हेनरी लॉ रिलेटेड विद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ओवर ए लिक्विड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू द लिक्विड। मींस पार्शियल प्रेशर यू कैन इजीली अंडरस्टूड अबाउट पार्शियल प्रेशर, आई हैव डिस्कस्ड इट इन 11th क्लास, पी प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड दिस पी विल बी इक्वल टू के एच into xa, where kh is Henry law constant, kh is Henry constant, लिख सकते हैं हम Henry constant, and the value of Henry constant will be given in your problem। फिर से इसको समझ सकते हैं, किसी भी गैस की जो solubility होगी, कितना ज्यादा वो सॉल्युबल है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस फर्दर विल डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन गैस। अगर गैस के मोल की संख्या ज्यादा होगी तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो उस गैस की उस पर्टिकुलर लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो मींस p विल बी इक्वल टू kh into xa वेयर kh इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। इस पे भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपको जो है मिलेंगे, किसमें जो है वो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में मिलेंगे, एक्सरसाइज में मिलेंगे, यू कैन सॉल्व इट वेरी क्लियरली, एंड इन दिस वे द सॉल्यूशन चैप्टर ओवरऑल थ्योरी पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। आई विल गिव यू सम असाइनमेंट बेस्ड अपॉन द सॉल्यूशन which will be strictly on the basis of numerical given in your NCERT questions. That's all. Been some questions related to the concentration term on the solution. First question, you can write it down. First question in the form of assignment, you will solve it and discuss to me. 28% KOH solution, KOH solution मतलब potassium hydroxide solution have been density 1.25 gram per ml, 28% KOH solution have been density 1.25 gram per ml is present in given sample 28% KOH solution having density 1.25 gram per ml is present in given solution, calculate इसमें तीन question है, calculate percentage W by V, calculate percentage W by V, second molality of solution, third molarity of solution, fourth mole fraction of KOH, ये चारों चीजों को आपको कैलकुलेट करना है। दिस 28% KOH इज एज परसेंटेज बाई मास
यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस क्वांटिटीज परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के ओ एच दैट्स ऑल.